हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एग्ज़ाम स्टडी में। रोज़ की तरह आज भी लेकर आए हैं जी के एंड करंट अफेयर, जो आज की डेट की हैं और हर रोज़ अपडेट की जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किस भारतीय त्यौहार का जश्न मनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र डाक प्रशासन अक्टूबर में न्यूयॉर्क में है जो विशेष ट्रैक्टर जारी करेगा? वो त्यौहार है दिवाली का। एक्सिस बैंक का अगला MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? वो है अमिताभ चौधरी को। स्ट्रेटजिक फॉरवर्ड नरेंद्र मोदी एंड इंडियाज ग्लोबल एम्बिशन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? वो है भरत कर्णद। अटल चौक के रूप में कौन सी राज्य सरकार आइकॉनिक इजरतंग चुराहा का नाम बदलेगी? हजरतंग तंग चुराहा है, उनका नाम बदलेगी। वह उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार। मंगल ग्रह पर रोवर को उतारने के लिए नासा ने अपने सुपरसोनिक पैराशूट की परीक्षण किया। इस रॉकेट को किसके साथ लॉन्च किया गया? उसका नाम है एस्पायर, ASPIRE। US ओपन 2018 का महिला एकल खिताब की विजेता है नाओमी ओसाका, उनका नाम है। 2018 ISSF वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप में पुरुषों के डबल ट्रैप इवेंट में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? वह अंकुर मित्तल, जो भारत के हैं। 7 से 9 सितंबर के दौरान आयोजित मान्यता प्राप्त चौथी विश्व शिखर सम्मेलन वोसा 2018 कहाँ आयोजित की गई? ये कही गई है नई दिल्ली, भारत में। महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में पुणे की एक अदालत ने पुलिस को जून में गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश करने के लिए कितने दिनों का अतिरिक्त समय दिया है? वो है 90 दिनों का। किस देश ने अधिकारियों को सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं की निगरानी करने का अधिकार दिया है? वो है मिस्र। किस देश में चौथी अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद कांग्रेस आयोजित की गई है? वो है नीदरलैंड। किसने विश्व युवा मुक्केबाजी में महिला 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? वो है साक्षी चौधरी। वोडाफोन इंडिया को किस भारतीय दूरसंचार कंपनी के साथ विलय कर दिया है? वो है आइडिया के साथ। अर्जेंटीना में जारी आर्थिक संकट के बीच राष्ट्रपति मारियोसियो मैक्री ने कड़े कदम उठाने की घोषणा की है, किसके तहत सरकारी मंत्रालय की संख्या 19 से घटाकर कितने कर दी है? पहले 19 संख्या थी, अब कितनी कर दी है? अब कर दिया 10। किसने हाल ही में पाकिस्तान का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? वो है डॉक्टर आरिफ अलवी। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी मरीजों के अधिकार संबंधी ड्राफ्ट चार्टर में मरीजों को कितने अधिकार दिए गए हैं? वो है 17। हाल ही में केंद्रीय लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने कारीगरों की प्रतिदिन मजदूरी में कितना प्रतिशत बढ़ोतरी को मंजूरी प्रदान की है? 36%। वाणिज्य एवं उद्योग नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु ने कॉफी उत्पादकों के लिए किस मोबाइल ऐप की शुरुआत की? वो है कॉफी कनेक्ट। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में कितने नए IIM संस्थान स्थापित करने को मंजूरी प्रदान की है? वह 7। हाल ही में किस राज्य ने
किस राज्य के राज्यपाल ने विधानसभा भंग करके चुनाव कराने की सिफारिश मंजूर कर ली है? वह रायपुर के राज्यपाल सुपरेंट जी। आज की जी के एंड करंट अफेयर थी। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और डेली अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।